गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है डे टू में। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को दार्जिलिंग का सबसे फेमस ओकाइडी टी गार्डन और नेपाल बॉर्डर, जो कि हम लोग थोड़ी देर में ही जाने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि कितना सामने है दार्जिलिंग टी गार्डन ओकाइडी से हम लोग का नेपाल। वो जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से उस पार पे, वो सब नेपाल है। और ये जो पहाड़े दिख रहे हैं वो सब नेपाल के पहाड़ हैं। और इसके बीच में मेची खोला बोल के है, जो आगे आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं मेची खोला की तरफ। तो देखिए, यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जाने से हम लोग को वो घर दिखाई जो दे रहा आपको, वहाँ में मिर्ची खोला का रास्ता है। ये सीधा आपको खोला के बाद पार चरण से आपको नेपाल मिलेगा। हम लोग थोड़ा नेपाल का रोड तक जाके वापस आएंगे और आपको दिखाएंगे ओकाइडी टी गार्डन बढ़िया से। प्लीज़ बने रहे वीडियो में आगे देखने के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मेची खोला पे। अब ये खोला आपको दिखाएंगे, बहुत ही छोटा खोला है, लेकिन इस खोला से ही हम लोग को दो कंट्रीज का डिफ्रेंशिएशन देखने मिलेगा। जैसे कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिफरेंसेस ये खोला करता है। जैसे कि ये देखिए ब्रिज, बहुत ही छोटा सा ब्रिज है, लेकिन इसी ब्रिज का वजह से हम लोग को पता चलता है कि ये नेपाल और ये इंडिया। तो आप देखिए आराम से बॉर्डर में, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। यहाँ से हम लोग बॉर्डर के पास जा सकता है, आ सकता है, लेकिन यहाँ में कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जा सकता, लेकिन हाँ आदमी पैदल चल के जा सकता है। बॉर्डर सामने है। अब नाला के इस पार ये नेपाल हो गया और अगली पार में हो गया हम लोग का दार्जिलिंग। दार्जिलिंग यहाँ में देख सकते आप, ये रास्ता देखिए, अभी ये रास्ता जाता है नेपाल की तरफ, और नेपाल रास्ता मेन हाईवे की तरफ एक्चुअली। और ये हम लोग का खोला, और ये रहा ब्रिज, बहुत ही छोटा सा ब्रिज है। और इसी के साथ अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और हमारे साथ चंद्रा देखिए फ़ोटो खींच रहा है, सीपीडी भट्टा राय। और ये रहा इसकुस का घास। इसकुस का घास आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। इसकस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो इसको इसकस बोलते हैं। यहाँ में इसकस का खेती होता है, स्पेशली ठंडा जगह पे। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है खाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से कैसे इसका खेती किया जाता है। हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। और ये देखिए नज़ारा है, ये बैकग्राउंड व्यू, चंद्र प्रसाद भट्टराय। ये बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ। वेदर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया वेदर है यहाँ पर। और स्पेशली जो चाय पत्ती है देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है ये लोग। यानी ये भरे पासपोर्ट और वीजा मांगने जाने।
ये देखिए नेपाल में किस तरीके का घर होता है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश घर है यहाँ पर। और ये देखिए नेपाल का बम्बू, देखो कितना बड़ा बड़ा है। गर्मी, इतना ठंडा मौसम में भी हम लोग को गर्मी लग रहा है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे जा रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मेन रोड, छिरुआ। यो रास्ता चाहिँ मेन मेनली कहाँ जान्छ? छिरुआ मेनली छिरुआ जाएगा यो रास्ता। और हम लोग वो रास्ता का देखने के लिए जा रहे हैं। नेपाल तो नहीं जा सकते मेनली, चलो नेपाल के सामने के जाने का रास्ता को देख के आएंगे। आज बहुत ही ज़्यादा चल लिया हम लोग, वाह। पहले जब जर्नी किया था तब बहुत ही ठंडा लग रहा था, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। अभी बहुत ही बड़ा बड़ा पहाड़ है, लिए हम लोग अपने मंजिल में पहुंचने ही वाले हैं। देखिए वो दिखाई दे रहा है हम लोग को, नेपाल का हाईवे का रास्ता, उसमें वो घर जो दिखाई दे रहा है वो घर का तरफ ही है हाईवे, जिस हाईवे से लेके हम लोग का नेपाल कनेक्टेड है इलाम डिस्ट्रिक्ट। इस जगह ठंडे पैर में ठेरे को चंद्र काम फास चल अगड़ी। ये रहा नेपाल का दुकान, इसको यहाँ पे दुकान नहीं इसको पसल बोलता है। और ये रहा नेपाल का गाड़ी, देखिए नंबर बहुत ही खतरनाक लेटर में लिखा है नंबर भी। और ये रहा हाईवे, और वो रहा जो वहाँ पे पुलिस रहता है, ट्रैफिक पुलिस। इसका मैक्सिमम 40 टू 50 किलोमीटर होता है नहीं? नेपाल का स्पेशल बकरा, ये 15 महीने को नेचुरल खीरा हम लोग आ रहे हैं।
ऑडियो किया कितना हम लोग आए और ये रास्ता हो गया, हम लोग ऊपर जा रहे हैं और वो ऊपर हम लोग को जाना है एकदम चोटी में, आपको दिखाएंगे, आप बनते रहिए। और रास्ता ऐसा है, देखिए उतरने के समय में पता नहीं चला लेकिन आप ऊपर चलेंगे तब पता चल रहा है, तो अभी ऊपर चलते हैं। चलो गाइस, जय माँ काली, आ भद्र काली। ओह माय गॉड, मफलर जय माँ काली, आ भद्र काली। ओह माय गॉड, ये पहाड़ है ठंडा। ओह आया, हाँ ये हम। ओह ओह देखिए, बाप रे कहाँ नीचे से हम लोग आए, देखिए और कहाँ पहुँचे और कहाँ पर जाना बाकी है। ओ माय गॉड, जय माँ काली, आयो भद्र काली। ओ माय गॉड, हाँ ओ जय माँ शक्ति, माँ शक्ति। चलो तो जय माँ काली, आयो भद्र काली। ओ वंदे मातरम, भारत माता की। बहुत ही संघर्ष वाला रास्ता है, ये देख सकते हैं आप लोग। ओ ओ तो नीचे वाला घर से हम लोग आए थे। ओ ये रास्ता, पहाड़ हमें अच्छे लगते हैं लेकिन सफ़र बहुत कठिन होता है भाई साहब। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो रखता हूँ, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओह ओह, नीचे वाला घर में हम लोग पानी पी के आए हैं। ओह रास्ता था, ओह तो ठीक है। ये देखिए वो चोटी पे पहुंच गए हम लोग को, तो नज़ारा तो बहुत सही है हम लोग का। चंद्र भाई क्या बहुत नीचे से देखिए कहाँ से आए हम लोग, हम लोग जा रहे हैं अभी, देखिए टावर में जाएंगे अभी। हम लोग पहुंच गए हैं, देखिए टावर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ओ माते जाने सकते हैं दाई, देखिए ये ओखाइटी टी स्टेट, यहाँ से आपको दिखेगा ओखाइटी का टी स्टेट है ये। उन लोग का ऊपर का टावर, उन लोग का चंद्र भाई चढ़ रहा है। जा माते जा, ज़्यादा माते जा, माते जा। जैसे टावर से इधर से व्यू जो दिखाई देगा बहुत ही बढ़िया व्यू, मतलब क्या ही बोले आपको। ओखाइटी का रियलिटी स्टेट नज़ारा देखिए आप, बस नज़ारा देखिए, बहुत ही बढ़िया व्यू है। ओ और उस तरफ नदी के उस पार, यहाँ में एक नदी है जो हम लोग जाके आए हैं, वो एक नेपाल एरिया है, पूरा नेपाल एरिया ये, इसको इलाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ये इलाम डिस्ट्रिक्ट।
आज के लिए इतना ही था गाइस, आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मैं दिखाने वाला हूँ आपको हम लोग का मिरिक टाउन, स्पेशली बहुत ही फेमस टाउन है दार्जिलिंग का, वहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको बहुत सारा चीज़ें। सो प्लीज़ दूसरा वीडियो देखना मत भूलिए नेक्स्ट, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू।